एक समय की बात है, शामू नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था और एक दिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। इसलिए उन्होंने विदेश जाने और वहां सफलता हासिल करने का फैसला किया। अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे लेने के लिए वह अपने दोस्त बल्लू के पास एक महंगा लोहे का तराजू बेचने गया, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। ने बल्लू से कहा कि एक बार जब वह पर्याप्त पैसा कमा लेगा तो वह उसे चुका देगा और अपना लोहे का संतुलन वापस ले लेगा। बल्लू ने शामू को आश्वासन दिया कि वह लौटने तक लोहे का तराजू को संभाल कर रखेगा। शामू ने विस्तृत और कई दूर देशों की यात्रा की और बहुत पैसा कमाया और बहुत समृद्ध और सफल हो गए। लौट कर वह फौरन अपने दोस्त बल्लू के घर चला गया। बल्लू ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उससे कहा कि उसे इस बात का पछतावा है क्योंकि घर में चूहों ने उसके लोहे के तराजू को खा लिया। शामू यह सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, चूहे लोहे का तराजू कैसे खा सकता है? लेकिन वह शांत रहे। शामू ने कहा, अरे मेरे दोस्त, इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर उसने बल्लू से कहा कि वह नहाने के लिए नदी पर जाना चाहता है और पूछा कि क्या बल्लू उसकी मदद के लिए किसी को भेज सकता है। सामान के साथ बल्लू मान गया और अपने छोटे बेटे बबलू को भेज दिया। शामू बबलू के साथ चला गया। जैसे ही वह नदी तट पर पहुंचे, बबलू के पास की एक गुफा में धकेल दिया और बाहर जाने से रोकने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। फिर वह वापस बल्लू के घर चला गया। केवल शामू को देखकर बल्लू बहुत चिंतित हो गया और चिल्लाया, मेरा लड़का कहाँ है? शामू ने शांति से उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, आपका लड़का नदी के किनारे खड़ा था और एक बाज आया और उसे अपने पंजों में उठाकर उड़ गया। बल्लू अवाक था। वह चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कोई बाज कभी किसी लड़के को उठा सकता है? तुमने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं कर देते। लेकिन शामू चुप रहा। तब तक आसपास के कई ग्रामीण जमा हो गए थे। उनमें से एक गांव का बुजुर्ग था और उसने भी शामू से कहा, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? तुम्हें उसका बेटा उसे लौटा देना चाहिए। लेकिन शामू ने दोहराया कि एक चील उसके बेटे को नदी किनारे से उठा ले गई है। गांव के बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, एक बाज एक बच्चे को कैसे उठा सकता? तुम झूठ बोल रहे हो, शामू ने उत्तर दिया। सर, जिस नगर में चूहे लोहा खाते हैं वहाँ चील बच्चे को क्यों नहीं पाल सकती? यह सुनकर गांव के बुजुर्ग चकित रह गए। क्या बकवास है, कृपया अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाइए, उन्होंने कहा। शामू ने पूरी घटना का क्रम बताया। जब गांव के बड़े ने कहानी सुनी तो वह जोर से हंसा और बल्लू से कहा कि वह शामू को लोहे का संतुलन लौटा दे और उसके बेटे को गुफा से निकाल ले।